नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया गया। आम बजट को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्रीय बजट से बिहार को कोई उम्मीद नहीं है, भाजपा ने एक बार फिर ठगने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले केंद्र सरकार राज्यों को विशेष रूप से सहायता देती थी, साल दर साल सहायता कम होती जा रही है। पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील शांति भूषण का मंगलवार को निधन हो गया। वह 97 साल के थे। उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर अंतिम सांसें ली। शांति भूषण ने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में काफी चर्चित मामले के राजनारायण का प्रतिनिधित्व किया था। 1974 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटने का आदेश दिया था। उन्होंने मोरारजी देसाई मंत्रालय में 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। नेपाल के जनकपुर से अयोध्या जा रही शालिग्राम शिला का बिहार में जगह जगह स्वागत हो रहा है। लोग जगह जगह आरती करते नजर आए तो कई शिला के दर्शन से ही खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं। मंगलवार की रात यह शिला उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में प्रवेश कर जाएगी। बिहार में यह पवित्र शिला मंगलवार को गोपालगंज जिला में प्रवेश किया। यहां प्रवेश करते ही नारायणी नदी के डुमरिया घाट पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। इसके बाद यह शिला देवापुर पहुंचा, जहां उपस्थित लोग पुष्प वर्षा करते नजर आए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाइफा बंदरगाह के अधिग्रहण को मील का पत्थर बताते हुए कहा है कि इस करार से भारत और इसराइल के बीच कई माध्यमों से संपर्क बढ़ेगा। इससे पहले भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जा रहे इस हाइफा बंदरगाह का कल मंगलवार को $1.2 अरब में अधिग्रहण कर लिया। इस सौदे के तहत अडानी ग्रुप तेल अवीव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब भी स्थापित करेगा। बिहार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। आगामी 27 फरवरी से आरंभ हो रहे बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। संयुक्त अधिवेशन का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया गया है। 27 फरवरी को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। अगले दिन 28 फरवरी को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी 2023-24 का बजट दोनों सदनों में पेश करेंगे। नई महागठबंधन सरकार का यह पहला बजट होगा। बता दें कि सत्र में कुल 22 बैठकें होनी है। संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम में लैंगिक भेदभाव और पुरुषों को वरीयता देने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब कर लिया है। नेशनल लॉ स्कूल के छात्र दक्ष कादियान ने एडवोकेट सार्थक गुप्ता के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान को चुनौती दी है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जारी सियासी घमासान में अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है। चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार द्वारा बिहार में केवल राजनीति हो रही है, सरकार को विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने गठबंधन की चिंता है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जो कहा है, मैं उससे सहमत हूं। बिहार के मुख्यमंत्री का यूज एंड थ्रो का पुराना इतिहास है। एक बार जब लोग नीतीश कुमार के लिए उपयोगी नहीं रह जाते हैं तो वो उन्हें त्याग देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण न केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा है बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि श्रम कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी हमारे देश के समग्र विकास में एक बड़ी बाधा है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और अब $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं की अधिक सक्रिय भूमिका इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2006-07 में स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर किया था। इसमें महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनके खाते खुलवाए जाते थे और उन्हें रोजगार के लिए सरकार की तरफ से मदद की जाती थी। बिहार जीविका की महत्ता इस बात से साबित होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका की दीदी के कामों की खूब तारीफ करते हैं। बता दें कि जीविका की दीदी अब पैसे को संभालने, वित्तीय निर्णय लेने और बेहतर सामाजिक नेटवर्थ स्थापित करने में आगे आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2023 में रेलवे के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। रेलवे के लिए इस बार 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। यह 2013-14 बजट से करीब 9 गुना ज्यादा है। 2013 में रेलवे के लिए करीब 63,363 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय है। पिछले कुछ सालों से पर्यावरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। पेरिस समझौते में गर्म होती पृथ्वी के औसत तापमान को नीचे बरकरार रखने के लिए एक लक्ष्य तय हुआ था, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक सीमित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एक नई रिपोर्ट ने चेताया है कि
1.5 डिग्री की सीमा अगले 10 से 15 सालों में पार हो सकती है। जजों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली कॉलेजियम प्रक्रिया को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव जारी है। इस बीच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बुधवार को बजट पेश करते हुए कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य सुनहरा है और ये सही रास्ते पर है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमृतकाल में पेश हो रहा यह बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। हमने 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना बनाई है। पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण पाकिस्तान की तरफ से बढ़ती आतंकी गतिविधियां हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का कहना है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का समर्थन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवाद, हिंसा आदि पर भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए काम करने की जरूरत है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को तगड़ा झटका लगा है और कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है। अब खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट रेगुलेटर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा है। बता दें कि अमेरिका फर्म हिंडनबर्ग ने बीती 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉरपोरेट रेगुलेटर्स भी मामले की जांच कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसका रणनीतिक हित वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय का समर्थन करता है। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत की साझेदारी बेहद जरूरी है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर अमेरिकी भारत पहल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को इस रणनीतिक पहल की अगुवाई करने और साझेदारी का विस्तार करने के निर्देश का यह परिणाम है। समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य बीते कुछ दिनों से अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी समेत अन्य विरोधी दलों ने सपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये घोर निंदनीय है। हमारा यही कहना है कि इसके पीछे लंबी साजिश तथा कथित लोगों के द्वारा की गई है। ये आपके वैचारिक भेद है तो ठीक है, आप अपनी बात बोल सकते हैं, पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ताजा आंकड़े के अनुसार जमानत दिए जाने के बावजूद लगभग 5000 विचाराधीन बंदी जेल में थे, जिनमें से 1417 को रिहा कर दिया गया है। शीर्ष अदालत को रिपोर्ट सौंपी गई। अपनी रिपोर्ट में NALSA ने कहा है कि वह ऐसे विचाराधीन बंदियों का एक मास्टर डाटा तैयार करने की प्रक्रिया में है, जो गरीबी के कारण जमानत राशि भरने में अक्षम थे। इनके जेल से बाहर नहीं आने का यही एक कारण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खासा जोर दिया है। रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। सरकार ने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा काट रहे व्यक्ति को बरी करते हुए कहा, शादी के वादे से मुकरने का हर मामला दुष्कर्म नहीं हो सकता है। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत व हाईकोर्ट के सजा के आदेश को खारिज कर दिया, हालांकि पीड़िता को मुआवजा देने का फैसला बरकरार रखा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संसद के सेंट्रल हॉल में पहली पंक्ति में निर्धारित अपनी बेंच पर अकेली बैठी नजर आईं। दरअसल उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत जोड़ो यात्रा के समापन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कश्मीर में है, लेकिन वहां खराब मौसम के कारण वह श्रीनगर में फंसे हुए थे। इस दौरान सोनिया गांधी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ दोनों ने स्वागत किया। सोनिया गांधी के पास बैठे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनसे बात करते नजर आए। सरकार के प्रयासों और मेक इन इंडिया के दम पर भारत के पास मौजूदा दशक में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का अनूठा अवसर है। इसकी वजह यह भी है कि विदेशी कंपनियां जुझारूपन बनाए रखने के लिए विनिर्माण एवं आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों को अपना रही है। इससे न सिर्फ देश में निवेश बढ़ेगा बल्कि भारी संख्या में रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। भारत और अमेरिका लगातार अपने रणनीतिक रिश्तों में सुधार करने के साथ कई अन्य क्षेत्रों में भी एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों देशों की सरकारें, बिजनेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच हमारी रणनीतिक साझेदारी और रक्षा डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर अमेरिका भारत पहल की घोषणा के इसके तहत अब दोनों देशों अंतरिक्ष मिशन के लिए एक साथ काम करने जा रहे हैं। नासा और इसरो अपने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जॉइंट वेंचर पर काम करेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा है कि FSSAI जल्द ही स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कैंटीनों आदि के लिए एक दिशा निर्देश तैयार करेगा, जिसमें बाजरा, जिसे इसके कई स्वास्थ्य लाभों के कारण लोकप्रिय रूप से वंडर फूड के रूप में जाना जाता है, को भोजन मेनू में पोषण विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा। भारतीय रेलवे अपनी आपूर्ति श्रृंखला में छोटे उद्यमियों को आकर्षित करने की आकर्षक योजना बनाई है, जिसके तहत वेंडर एप्लीकेशन फीस में 90% से अधिक कटौती की है। रेलवे ने अपनी सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए शुल्क कम कर दिया है, ताकि नए उद्यमी बेहिचक आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण में कहा है कि प्रमुख जगहों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2014 से 57 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सीतारमन ने कहा है कि बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। बजट में हेल्थ एजुकेशन और स्किलिंग पर बड़े फोकस की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक अर्थ वाले नामों और प्रतीकों वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से मंगलवार को कहा कि उसे धर्मनिरपेक्ष और सभी के लिए निष्पक्ष होना चाहिए और अपने दृष्टिकोण में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के तीसरे संस्करण का मंगलवार को विमोचन किया गया। गुहा ने कहा कि भारत में स्वस्थ लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस का अधिक प्रतिस्पर्धी बनना जरूरी है, और यह केवल भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर नहीं बल्कि मत हासिल करके होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून महीने में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से पीएमओ को राजकीय यात्रा के लिए निमंत्रण मिला है। पीएम मोदी इस दौरे में अमेरिकी कांग्रेस से संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बुधवार सुबह आम बजट 2023 पेश किया तो सबसे बड़ी राहत करदाताओं को मिली। करीब 8 साल से टैक्स छूट बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नए टैक्स रेजीम में अब 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, नुन्नू गोलू कुमार, रवि शंकर, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, महमूद अंसारी, बाबूलाल मरांडी, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, अरविंद कुमार, अशरफी मंडल, जैनुद्दीन अंसारी, MD शाकिर हुसैन, MD नौसाद रजा, संतोष कुमार, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार नए बजट से आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।